प्यारे बच्चों और दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर हर बार की तरह इस वीडियो में भी टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके SSC, रेलवे, बैंक, UP पुलिस कांटवा, BED, RPF और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट जाके एग्जाम होते हैं या फिर एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं उन्हीं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, हर क्वेश्चन को हम लोग बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं, तो चलिए देरी ना करते स्टार्ट करते अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन काउंटिंग फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न चित्र में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की संख्या दोस्तों पूछ रहा है क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक ही ट्रिक आपको जानना है, बस ये वाली, जो कि आपके YouTube पर वायरल मिलेगी। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस टाइप का अगर फिगर है तो इनमें नंबरिंग कर लीजिए 1, 2 और इन नंबरों को जोड़ लीजिए, 1 + 2 = 3। इसमें त्रिभुज की संख्या 3 है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि इससे ज़्यादा इस तरीके से खाने बढ़ते जाएँ तो आपको नंबरिंग ऐसे ही बढ़ाती जानी है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और उनको अकाउंट कर लेना है, उनको ऐड कर लेना है, तो आपके जो है इसमें कितनी त्रिभुज है वो निकल जाएगा। बस यही हल्की सी ट्रिक होती है, तो हमें सिर्फ इसी की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसमें कैसे, देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं इस फिगर में, क्वेश्चन वाले फिगर में, तो ये आपका बना, इसमें 3 त्रिभुज हो गए, यही वाली है, क्लियर है। फिर दूसरे में अगर देखते हैं उसके नीचे आपको दिख रहा होगा उसी टाइप का, इसमें भी आपके कितने हैं, 3 है, चलिए। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये आपका ऊपर वाला हिस्सा, तो ये आपका भी 3 है, और इसी तरीके से नीचे वाला अगर आप हिस्सा देखते हैं तो यहाँ पर भी 3 है। अब बाकी बचे हुए त्रिभुज को चलिए ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक त्रिभुज दिख रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो कॉर्नर पे यहाँ पर, यानी कि 2 त्रिभुज ही है। इसके अलावा आपको कहीं त्रिभुज नहीं देखने को मिलेगा, तो टोटल जोड़ लीजिए 3 × 4 = 12, 2 × 14, ऑप्शन B इज द राइट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर मिसिंग संख्या निकालनी है, चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे मिसिंग संख्या निकाल सकते हैं। जिस जगह पे मिसिंग संख्या निकालनी रहती है सेम पोजीशन पे सारी संख्याओं को देखते हैं, जैसे 225, 196। अब इन दो तीनों को देखेंगे कि 225 कैसे आया, 100 कैसे आया, 196 आया, जिस लॉजिक से वो आएगा उसी लॉजिक से हम मिसिंग संख्या निकाल लेंगे। बस ये सिंपल सी ट्रिक होती है। तो अब 225, 196, 196 अगर आपको 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद है, इनका स्क्वायर याद है 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का, तो आपको पता चल गया कि ये 225 क्या है, आप कहेंगे 15 का स्क्वायर। जिनको याद है 100 क्या है, आप कहेंगे 10 का स्क्वायर। 196 क्या, आप कहेंगे 14 का स्क्वायर। अब थोड़ा निकालना और इजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें निकाल अंदर की जो संख्या होती है वो बाहर वाली संख्याओं की हेल्प से निकलती है। जैसे 9 और 5 दिख रहा है तो इसकी हेल्प से 196 निकला होगा, तो 9 और 5 को हम जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो 14 आएगा, तो उसी 14 का ही यहाँ पर स्क्वायर करके 196 लाया गया। तो यानी कि ये पार्ट है, देखिए ये जो सर्किल नुमा दिया हुआ आकृति, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड की गई इस तरीके से आपकी एक पार्ट में, ठीक है। यानी कि आपका पिज्जा रखा हुआ है और एक पार्ट जैसे कटिंग करते हैं 4 पार्ट में, एक पार्ट आपका निकल चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को लेंगे, इस वाले पार्ट को, इस पार्ट में देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 का स्क्वायर करने पर अंदर वाला 100 आ गया। आप यही काम यहाँ पर भी देख लेंगे, जैसे यहाँ पर 7 और 8 है, यहाँ पर इनको जोड़ेंगे 7, 8, 7, 15 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर करने पर अंदर का 225 आया है, तो हमारा काम बन चुका है। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में 6, 3 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। तो दोस्तों ऑप्शन में देखिए मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर आप 81 बनाइए और इसे D पे टिक लगा दीजिए, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारा डाइस से रिलेटेड, ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ओपन डाइस का थोड़ा सा रूल जानेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, डीपली नहीं, ये हल्का फुल्का होता भी है, बहुत डीप होता भी नहीं है। यहाँ पर देखिए इस तरीके के अगर ओपन डाइस में सीधी सीधी लाइन में चला जाता है, जैसे मान लीजिए कि 1, 2, 3, 4 इस तरीके से 4 खाने हैं, जब इनको बंद किया जाएगा तो पहला तीसरे के अपोजिट चला जाएगा, दूसरा चौथे के अपोजिट चला जाएगा। अगर अगल बगल इस तरीके से हैं तो ये आजू बाजू वाले एक दूसरे के अपोजिट चले जाएंगे, यानी इसको 5 रख दीजिए, इसको 6 रख दीजिए। तो ये जब अपोजिट जाएंगे तो इनको बंद करने पर वो बगल वाले फेस में नहीं आएंगे। अभी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। अब क्वेश्चन वाले में आते हैं, क्या करें, निम्न विकल्पों में से उस पासे को चुनिए जो दिए गए खुले पासे को बंद करने पर प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा भी दिया रहता है कि बंद करने पर नहीं प्राप्त होगा, जो नहीं बनेगा उसको भी कहीं कहीं चुनना पड़ता है, और कहीं कहीं ऐसा रहता है कि जो बंद करने पर प्राप्त होगा उसको भी चुनना रहता है। तो इसलिए क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो पहला क्या होगा, तीसरे के अपोजिट, दूसरा क्या होगा, चौथे के अपोजिट, और ये अगल बगल वाला एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब हम ऑप्शन से चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर GES दिख रहा है, तो हम जी को लेंगे, पहले जी को लेंगे तो जी के जो है अपोजिट एस है, लेकिन यहाँ पर एस बगल में आ गया है। जी के अपोजिट क्वेश्चन में देखिए जी और एस का मैं निशान चिन्ह बनाया हुआ हूँ, एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या होंगे, पहला तीसरे के अपोजिट जाता है, जो जिसके अपोजिट जाएगा वो बगल वाले फेस पे नहीं आएगा। अपोजिट का मतलब उसके उल्टे हिस्से में, नीचे वाले हिस्से में चला जाएगा।
तो यहाँ पर एस इसके अपोजिट में तो ये नहीं बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर ए को देख लीजिए, ए के अपोजिट डी है लेकिन डी यहाँ पर भी बगल में इसके दे दिया तो ये भी नहीं बनेगा। इसी तरीके से यहाँ पर तीसरे में आइए, ए है, ए के बगल में डी नहीं दिया हुआ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी है, सी के बगल में क्या नहीं होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए, चलिए ये भी सही है। एस है यहाँ पर, एस के बगल में जी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन थ्री इज़ द राइट आंसर, ये आपका बनेगा। समझ में आया कैसे चेक किया जाता है? ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन थ्री इज़ द राइट आंसर। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है ये सारी चीज़ें, या इस पर टिक लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप टिक लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा तो तीसरा या तो सी पे आप टिक लगा लीजिए। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आपको कह रहा है, यहाँ पर भी थोड़ा सा देखिए दोस्तों, इस वीडियो में कहीं कहीं मिस प्रिंट हुआ तो उस पर ध्यान आपको नहीं देना, इस क्वेश्चन पे, इस हिस्से पे आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको देखना है यहाँ पर इस फिगर वाले स्थिति में। ये कह रहा है कि यहाँ पर नेक्स्ट फिगर क्या आएगा, ये क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर अगला फिगर क्या आएगा, तो हमें देखना इस तरीके से इसको कि पहले का संबंध जैसे दूसरे से है वैसे तीसरे का संबंध चौथे से कैसे होगा। एनोलॉजी टाइप चेक करना है, जैसे यहाँ पे संबंधे का मैं चिन्ह बना देता हूँ, यहाँ पे डबल लगा देता हूँ, यहाँ पे सिंगल लगा देता हूँ, इस तरीके से बन गया। जैसे आप नंबर एनोलॉजी, शब्द एनोलॉजी पढ़ते हैं, तो यहाँ पर समझिए फिगर एनोलॉजी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसी टाइप से सोचना है आपको क्या लॉजिक लगी हुई है। चलिए देखते हैं, जैसे पहले फिगर और दूसरे फिगर में देखेंगे, क्योंकि अलग अलग फिगर है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि यही फिगर बार बार रिपीट करके दिखाता रहेगा, बस उसकी पोजीशन चेंज करेगा, यही पहला ही फिगर दूसरे में रहेगा, तीसरे में वही रहेगा, चौथे में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, दो में तो सेम फिगर है फिर तीसरे में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें फिगर से रिलेटेड आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन मैं हर वीडियो में कराता रहता हूँ, वॉच कीजिएगा जाकर के वीडियो को। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर अगर पहले फिगर पे ध्यान देते हैं तो दोस्तों एक सीधी लाइन है यहाँ पर, दोस्तों एक लाइन टाइप चतुर्भुज समझ लीजिए, फिर इधर चतुर्भुज है, फिर इधर है, फिर इधर है, इस तरीके से चार चतुर्भुज लगे हुए हैं। पहले राइट से शुरू हुआ, लेफ्ट हुआ, फिर राइट हुआ, फिर लेफ्ट हुआ। लेकिन दूसरे फिगर पर अगर आप आते हैं तो दोस्तों जो ये आपका राइट से स्टार्ट हुआ था, अब इसमें जो है चतुर्भुज लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, फिर राइट हो गया, लेफ्ट वाला राइट हो रहा है, राइट वाला लेफ्ट हो रहा है, लेफ्ट वाला राइट हो रहा है, राइट वाला, यानी कि पोजीशन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप दर्पण का को रूल पता होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि यानी किसी लाइन के अगर इस साइड कोई आकृति ऐसे लगी हुई है तो ये दर्पण में क्या होती है, रोटेट घूम करके इस साइड हो जाएगी, क्या होगी, लाइन के इस साइड हो जाएगी। तो वही रूल लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दर्पण लगा हुआ, तो यहाँ पर भी हम दर्पण लगा देते हैं। तो देखिए बीच में क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज इस तरीके से लगा हुआ, तो त्रिभुज जब बीचों बीच है ऐसे है तो त्रिभुज चेंज नहीं होगा। इसको देखिए लेफ्ट टू राइट अगर चेंज करते हैं तो ये सेम ऐसे ही पोजीशन पे बना रहेगा, यानी कि ये बीच में लाइन है। अगर लाइन ऐसे होती तो ये त्रिभुज क्या होता, प्रतिबिंब बनने के बाद इस साइड आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे इसमें हुआ था, वर्ग में क्या हुआ कि ये इस साइड आ गया, हालांकि वर्ग का सिर्फ प्रतिबिंब बनाते हैं तो वर्ग में कोई चेंजेस नहीं आएगा, या चतुर्भुज में सेम टू सेम वैसे ही रहेंगे, पलट करके भी देख लीजिए। लेकिन लाइन पर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर बीचों बीच लाइन है तो त्रिभुज नहीं चेंज होगा, लेकिन त्रिभुज के अंदर आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ब्लैक एंड व्हाइट हिस्सा दिया हुआ है, तो ये जरूर चेंज होगा। जिधर ब्लैक है, देखिए पहले वाले त्रिभुज में देखेंगे तो राइट साइड में ब्लैक है, तो वो क्या होगा, ब्लैक लेफ्ट साइड में चला जाएगा। दूसरे त्रिभुज में अब आइए, दूसरे त्रिभुज में देखेंगे लेफ्ट साइड ब्लैक है तो वो राइट साइड चला जाएगा, और इसी तरीके से त्रिभुज में कहाँ है, त्रिभुज में लेफ्ट साइड है तो राइट साइड है तो लेफ्ट साइड चला जाएगा। तो अब ये इस टाइप का डायग्राम आपका बन जाएगा, देखिए आपका ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए, कह रहा है कि पहले का संबंध जैसे दूसरे से है इसी तरीके से तीसरे का चौथे से कैसे होगा। यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट कीजिए देखिए क्या होगा। यहाँ पर देखिए अगर चार का हम छः में गुणा करते हैं तो छच्चों को 24 आ जाएगा, इसी तरीके से दो में भी हम छः का गुणा कर देते हैं तो 12 आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो ये ट्रिक नहीं लगेगी, मत लगाइए इसको, कुछ और सोचिए। चलिए कुछ और सोचते हैं, जैसे चार है, अगर मैं चार का स्क्वायर करूँ तो 16 आएगा, मत कीजिए, चार का क्यूब कर दीजिए, चार चौको 16, चौको 64 आएगा। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, 6 चौको 24 आ जाएगा। इसी तरीके से हम दो का भी क्यूब ही करेंगे, दो का क्यूब करेंगे तो 2 2 4 2 8 हो जाएगा। अब 8 है तो इसको हम दो अंक में कन्वर्ट करेंगे तभी तो दो अंकों का गुणा होगा, जैसे यहाँ पर 64 था, दो अंक में बना था, तो 6 और 4 का गुणा कर दीजिए। लेकिन 8 एक अंक में है तो इधर लेफ्ट साइड आप 0 लगा सकते हैं, उससे कोई भी संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी इसको 8 ही पड़ा जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 × 8 करेंगे इसके अनुसार, पहले वाली लॉजिक के अनुसार, तो यहाँ पर 8 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि पिघलना का संबंध जैसे तरल से वैसे जमना का संबंध किससे होगा। पिघलना, कोई भी चीज़ पिघलती है तो वो क्या होती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है। वही देखिए इसको हमें फिजिक्स लाइन से देखना है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। आपके जो आपके दैनिक जीवन में चीज़ें होती हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, वरना कन्फ्यूज में पड़ जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन वैसे वैसे दिए हुए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। पिघलना तरल, तरल द्रव को कहते हैं, ठीक है, जैसे पदार्थ की अवस्था है, मेन जो तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस होती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पिघलना तरल हो गया तो इसका मतलब ये द्रव अवस्था है, ठीक है, वैसे ही जमना जो होती है वो क्या होती है, वही आपको बताना है।
तो कड़ा, कड़ा का मतलब जैसे एक तरीके से ठोसी चीज़ हो जाती, कड़ी हो जाती है, जो ईंट वगैरह आपकी है, लोहा वगैरह है। गाढ़ा तो बेकार हो जाता है, गाढ़ा जमता है तो पहले स्थिति में गाढ़ा होता है फिर लेकिन ठोस हो जाता है। यहाँ पर बर्फ, यहीं पे आप गलती करेंगे। देखिए आप सोचेंगे कि पानी जमता है तो बर्फ़ हो जाता है, तेल जमता है, तरल चीज़ जमती है तो बर्फ़ बन जाती है, ज़रूरी नहीं है। तो हमें, मैंने कहा फिजिक्स लाइन से देखना है, जैसे ये दरों में बदली तो ये बर्फ़ में नहीं बदलेगी बल्कि ठोस में बदलेगी। आपको ऑप्शन डी पे टिक लगानी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष दोनों सिरों से पांचवा है। जैसे वृक्षों की ये पंक्ति थी दोनों सिरों से पांचवा, जैसे इधर भी पांच है इधर से भी पांच है, दोनों सिरों से पांचवा, बताएं कि पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। दोनों सिरों से पांच है, दोनों सिरों को जोड़ दीजिए 5 + 5 और सिर्फ एक घटा दीजिए। ये आपकी ट्रिक होती है, 9 आपका आंसर हो जाएगा किसी भी। जैसे एक सिरे से अगर 15 दिया रहा है, दूसरे से 14 दिया रहा है, तब भी दोनों को जोड़िए और एक घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ के सिरों को जोड़िए और एक घटा दीजिए, कोई भी दिया हो, 2 4 दिया हो, 5 बराबर दिया हो, 5 5 दिया हो, या 10 12 दिया हो, तो ये आपका लॉजिक होती है दोस्तों। देखिए ऑप्शन 1 इज़ द राइट। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, दिशा दूरी का क्वेश्चन है। मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। सबसे पहले तो इसके मैप को समझ लेते हैं। जैसे दाहिनी साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम, नीचे दक्षिण, आपका ऊपर उत्तर होता है। क्या कह रहा है कि मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। देखिए दक्षिण की ओर जाएंगे 3 किलोमीटर तो नीचे जाएंगे, नीचे दक्षिण है 3 किलोमीटर। एक पैमाना सेट कर लीजिए, जैसे 3 किलोमीटर आपने चला है ना, अब 3 से ज़्यादा चलेंगे तो उससे ज़्यादा बड़ी लाइन बनाएंगे, उस हिसाब से बनाएंगे। एक यूनिट अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा, कम 2 चलेंगे 1 चलेंगे तो 3 से छोटी आपकी लाइन बननी चाहिए। क्या होगा उससे ना, दिशा वगैरह में दिक्कत नहीं होगी निकालने में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कर इसके बाद दाई ओर मुड़ करके 5 किलोमीटर चला। जब दक्षिण दिशा में आप जाएंगे तो दाई ओर मुड़ेंगे तो आपको बाई ओर मुड़ना है अपने, क्योंकि उल्टी दिशा हो जाती है, उसका दाया आपका बायां, आपका दाया उसका बायां हो जाता है। तो वो दाई ओर मुड़ने के लिए कह रहा था, आप अपने बाई ओर मुड़ेंगे 5 किलोमीटर, 3 से मैंने क्या कहा 2 यूनिट ज़्यादा बनाएंगे तो 5 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। 3 इतना 2 और, ठीक समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है कि पुनः दाई ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला, पुनः दाई ओर मुड़ रहा है। अब ये जो दिशा है पश्चिम दिशा है, और पश्चिम की दिशा की ओर जाएंगे और दाएं मुड़ेंगे तो ऊपर चले जाएंगे, और 7 किलोमीटर हम चलेंगे। जैसे 3 यहाँ तक हो गया और उससे 4 ज़्यादा यानी 7, ठीक है, लगभग अप्रॉक्स होना चाहिए, 1 आध इंच का फर्क, मतलब 1 आध मिलीमीटर का फर्क रहेगा तो चल जाएगा। एक पैमाना आपको बना करके चलना है। अब यहाँ पर आप आ गया 7 किलोमीटर चलने के बाद, कह रहे अंत में मैं किस दिशा की ओर चल रहा था, ये दिशा ऊपर वाली कौन सी है, उत्तर वाली दिशा है, देखिए मैप में। तो ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। अगला देखते हैं, ये घड़ी का क्वेश्चन है। करें मनोज अपने घर से बस स्टॉप के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला, यानी जितने बजे निकलता था वो, जितने बजे निकलता था, मान एक्स बजे निकलता था, तो इस टाइम एक्स माइनस 15 बजे निकला, यानी सामान्य से 15 मिनट पहले निकल गया। कह रहा कि बस स्टॉप पहुंचने में उसे 10 मिनट लगे, बस स्टॉप 10 मिनट में वो पहुँच जाता है। तो कह रहा कि वो 8:40 प्रातः बस स्टॉप पर पहुँच गया। 8:40 प्रातः का मतलब AM जो है वो क्या हुआ, बस स्टॉप पर पहुँच गया, और बस स्टॉप पहुंचने में उसे 10 मिनट लगे, यानी घर से वो कितने बजे निकला होगा, यहीं से निकाल लीजिए। वो घर से निकला है इसका मतलब 8:30 पर, 8:30 AM पर वो घर से निकला है, 10 मिनट उसको बस स्टॉप पहुंचने में लगे तो वो 8:40 पर बस स्टॉप पहुंच गया, यानी घर से निकला कितने बजे, 8:30 पर। कह रहा कि वो सामान्यतः कितने बजे बस स्टॉप के लिए निकलता था, आज वो निकला है 15 मिनट पहले, रोज़ और अन्य अन्य दिनों में वो कितने बजे निकलता था, यानी कि 8:30 पर निकला है कब, जब वो 15 मिनट पहले निकला है, तो यानी सामान्यतः वो जोड़ दीजिए 15 को, यानी कि डेली वो 8:45 पर निकलता था घर से, लेकिन आज जो है 8:30 पर निकला क्योंकि 15 मिनट पहले निकला था। तो 8:45 AM आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 8:45 कहाँ है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये तो अपने दिमाग से करना था, इसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं थी, बस अपने दिमाग से कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कैलेंडर में भी पूछता है, जो कि आपको अपने दिमाग से करने रहते हैं, बर्थडे वाला कि इस साल ऐसे बर्थडे पड़ा अगले साल, और घड़ी में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ देता है, खासकर रेलवे वेलवे के एग्जाम में। यहाँ पर जो है दोस्तों दर्पण का क्वेश्चन है, इसके रूल को थोड़ा सा मैं भी पीछे समझाया, थोड़ा यहाँ पर भी समझ लेते हैं। जैसे आर का दर्पण पति में क्या होगा, ये लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये एक अक्षर के लिए होता है, अगर शब्द के रूप में दिया रहे तब क्या करेंगे, मेन चीज़ वही है। जैसे मान लीजिए कि BDR है, BDR इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, पहले क्या होता है शब्द पूरा चेंज हो जाता है लेफ्ट टू राइट, जैसे RDB होगा, उसके बाद फिर ये एक एक लेफ्ट टू राइट चेंज होते हैं, यानी R ऐसे होगा, D ऐसे होगा, B ऐसे होगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इसलिए एक अक्षर रहेगा तो खुद चेंज होगा, लेकिन शब्द के रूप में तो पहले पूरा शब्द चेंज होगा। कह रहे हैं निम्नलिखित शब्द का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए, जैसे ये इतना लंबा चौड़ा है ना, तो ये पूरा समझ लीजिए एक शब्द है, इसका दर्पण प्रतिबिंब पहले पूरा लेफ्ट टू राइट चेंज होगा, यानी 3GM W 4 5 N और A, इस तरीके से पूरा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर क्या होगा,
कि अपने आप में ये जैसे तीन क्या होगा, तीन ऐसे चेंज हो जाएगा, जी क्या होगा ऐसे चेंज होगा, तो हम हर चीज़ को बना नहीं पाएंगे सही ढंग से। तो ये ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, जैसे तीन चेंज होगा ऐसे बनेगा तो तीन से चेक करते हैं, जैसे ये तो होगा नहीं क्योंकि तीन सीधा है, ये होगा नहीं तीन सीधा है। अब ये दो बचा हुआ है, दो और तीन, दो और तीन में चलिए तीन चेंज होगा ऐसे होगा, जी चेंज होगा बिल्कुल सही है दूसरे वाले में, लेकिन यहाँ पर जी चेंज नहीं हुआ है, जी ज्यों का त्यों बन गया, तो तीसरा भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन टू इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन से इसको चेक कर लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से चेक हो जाएगा, लेकिन ये सारी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए जो मैं बताया हूँ, तब जा करके ही सही आप चेक कर पाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, क्या करें कि एक पुरुष की ओर तस्वीर को इंगित करते हुए एक औरत ने कहा, एक पुरुष की तस्वीर है ठीक, इसकी ओर इंगित करते हुए एक औरत कह रही है, औरत कह क्या रही है उस पर ध्यान दीजिए, कहा इसके भाई का पिता, यानी इस व्यक्ति के भाई का, इस व्यक्ति के भाई का पिता, इस व्यक्ति के भाई का पिता क्या कह रहा है कि मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र। ये औरत कह रही है कि इस व्यक्ति के भाई का जो पिता है मेरे दादाजी, यानी इस औरत के जो दादाजी हैं, दादाजी हैं उनका इकलौता पुत्र है, इकलौता एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र है, इकलौता पुत्र है। इससे ये पता चल रहा है कि इसके दादा का सिर्फ यही एक पुत्र था, पुत्रियाँ रही होंगी उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन पुत्र सिर्फ एक ही यही था। तो कह रहा कि बताएं कि उस तस्वीर वाले पुरुष का औरत से क्या संबंध है, यानी ये औरत जो है इस पुरुष की क्या लगती है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, इस तरीके से हम कड़ियाँ जोड़ते हैं, जैसे मैंने जोड़ा है कड़ियाँ जोड़ते हैं। अब यहाँ पर जो स्त्री रहती है, चूँकि यहाँ पर डायरेक्टली दिखा दिया पिता के भाई के रूप में, अगर नाम से रहता तो नाम वाले में स्त्री पर हम माइनस बनाते, पुरुष पर क्या करते प्लस बनाते, इससे पता चल जाता लिंग, लिंग कौन सा है कि पुरुष है कि स्त्री है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होता। लेकिन चूंकि यहाँ पे भाई दादा पिता औरत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस बनाएंगे नहीं बनाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्टली पता है कि कौन पुरुष है कौन स्त्री है, एक कन्फ्यूजन दूर। दूसरी चीज़ एरो द्वारा दर्शाते हैं रिलेशन को, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है। अब चलिए चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, हमेशा जिस चीज़ रिलेशन के बारे में पूछे उसको अपने आप पर फोकस कीजिए, यानी कि ये औरत समझ लीजिए आप है। आप सोचेंगे आप तो मतलब पुरुष लिंग में आते हैं, मैं कैसे, आपको समझना पड़ेगा तभी ये रिश्ते आपके दिमाग में घूमेंगे, आपके सामने घूम पाएंगे। अब यहाँ पर कह रहे कि ये इस जो व्यक्ति का भाई का पिता, अब बताइए आपके व्यक्ति के, आप अगर व्यक्ति हैं, एक पहले व्यक्ति को अपने ऊपर रखिए कि आप अगर कोई मर्द हैं, व्यक्ति हैं या आप मतलब पुरुष हैं, आपके भाई का पिता आपका क्या लगेगा, आप कहेंगे मेरे भाई का पिता मेरा पिता लगेगा और क्या लगेगा। क्लियर। यानी इस व्यक्ति के भाई का पिता खुद इस व्यक्ति का भी पिता लगेगा कि नहीं लगेगा, कोई डाउट यहाँ पर नहीं है। अब दूसरी चीज़ इस औरत पे आइए, अब इसको समझिए आप खुद हैं। अब औरत के जो दादाजी हैं उसका इकलौता पुत्र, एकमात्र पुत्र, यानी आपके दादाजी का अगर एक ही पुत्र है तो वो आपका क्या लगेगा, आप सीधे से कहेंगे वो भी मेरा पिता लगेगा। क्योंकि अंकल कब लगेंगे, अगर आपके दादाजी के दो पुत्र होते तो उस कंडीशन में ये जो पिता है ये चचा भी हो सकता था, पिता भी हो सकता था, उसमें कन्फ्यूज़न बन सकती थी कि चचा है कि पिता है। लेकिन जब कह दिया है, कंडीशन लगा दिया, एकमात्र पुत्र है तो हर कंडीशन में इस औरत का वो पिता लगेगा। अब बताइए इस व्यक्ति का भी ये पिता है, इस औरत का भी पिता है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए कि नहीं, ये औरत और व्यक्ति, तो औरत उसकी क्या लगेगी, ये पूछ रहा है, बहन लगेगी। काम खत्म, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। कितनी आसानी से क्लियरली हमने रिलेशन को निकाला। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर गणितीय संक्रिया कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा और गुणे का अर्थ प्लस है तो इसका मान क्या होगा। इसमें जो संख्या दी रहती है उसको हम उतार लेते हैं, जो कहते हैं, और प्लस का स्थान कह रहा है भाग है, भाग बना लीजिए, फिर 16 को उतारिए, भाग की जगह कह रहा है माइनस, माइनस बनाइए, 4 को उतारिए, माइनस का अर्थ कह रहा है कि गुणा, गुणा बनाइए, 2 उतारिए, और गुणे का अर्थ कह रहा है प्लस, प्लस बनाइए और 8 उतारिए। बोर्ड मास रूल से इसको हम सॉल्व करेंगे, किससे, बोर्ड मास रूल से। बोर्ड मास रूल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बी से ब्रैकेट को पहले ऑफ किया जाता है, फिर डी होता है डिवीज़न, एम होता है मल्टीप्लिकेशन, ए होता है एडिशन, एस होता है सब्सट्रैक्शन। इस सीरियल क्रम में ही हम इसको सॉल्व करेंगे तभी सही आंसर आएगा, वरना गलत हो जाएगा। तो गणितीय संक्रियक जितने क्वेश्चन होते हैं कम से कम 99% इसी रूल से ही सॉल्व होते हैं, और कोई रूल इसमें नहीं लगता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दूसरे ट्रिक से सॉल्व किए जाते हैं। अब चलिए यहाँ पर चलते हैं, तो इसमें ब्रैकेट है नहीं, चिन्हों में सबसे पहले भाग को निपटाना है तो भाग दे लीजिए, 16 से 48 में भाग दें तो 16 से 48, माइनस हम बना लेंगे, फिर कहता है मल्टीप्लीकेशन गुणा करना है तो 4 दुना के 8 कर लेंगे, फिर प्लस 8 को उतार लेंगे, माइनस 8 प्लस 8 दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चलिए अगला पर, यहाँ पर कह रहा है निम्न विकल्प में सही आर्य का चयन कीजिए, गहने या अंगूठी या हीरे की अंगूठी। देखिए इसमें क्या करना रहता है, देखिए तीन तो नाम है तो तीन तो हम सर्किल ऐसे ले लेंगे, एक को गहना बना देंगे, एक को अंगूठी बना देंगे और एक को हीरे की अंगूठी बना देंगे, ह ले लेंगे, ग अ ह इस तरीके से समझेंगे, गहना अंगूठी हीरे की अंगूठी। अब हम देखेंगे गहने अंगूठी में क्या रिलेशन है, अंगूठी हीरे की अंगूठी में क्या रिलेशन है, और गहने और हीरे की अंगूठी में क्या रिलेशन है, या तीनों का परस्पर आपस में एक दूसरे से रिलेशन को देखेंगे, संबंध को देखेंगे और हिसाब से ही डायग्राम बनाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए जितना भी, जैसे दो तरीके से आप सोच सकते हैं, एक तो आप सोचेंगे कि अंगूठी जो होती है वो हीरे की अंगूठी होती है,
अंगूठी जो होती है हीरे की अंगूठी होती है, ऐसी बात नहीं है। देखिए सभी अंगूठियाँ हीरे की अंगूठी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी सोने की होती है, गिलट की होती है, चांदी की होती है। लेकिन हम ये चीज़ ज़रूर कह सकते हैं जितने भी हीरे की अंगूठी है वो सभी की सभी अंगूठियाँ हैं, जितने भी हीरे की अंगूठियाँ हैं, जितने भी है सभी की सभी है। देखिए डायग्राम दोनों एक जैसा है लेकिन सोच आपकी अलग है तो ये गलत हो जाएगी, ये सोच आपकी गलत है ये सही है। जितनी भी हीरे की अंगूठी, आखिर वो अंगूठी तो है हीरे की, ये हीरे का हार तो कह नहीं रहा, हीरे की अंगूठी कह रहा है। तो जितनी भी हीरे की अंगूठियाँ होंगी सब के सब अंगूठी के अंतर्गत आएंगी। अब ये जितनी भी अंगूठियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो सब गहने होते हैं, यानी गहने क्या हैं, गह में आ जाएंगे। ऑप्शन टू इज़ द राइट, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहे दिखाई गई संयुक्त रेखाकृति की सभी ज्यामिति आकृतियों में कौन सा अक्षर आता है, यानी कि यहाँ पर त्रिभुज दिया हुआ है, सर्किल दिया हुआ है, आपका वर्ग दिया हुआ है, आयत दिया हुआ, कह रहा है कि ऐसा अक्षर चुनिए जो सभी आकृतियों में आए। जैसे यहाँ पर अगर बी को हम चेक करें तो बी सिर्फ सर्किल में आ रहा है, बाकी इधर की आकृति में तो आ नहीं रहा है, तो बी फेल हो गया, काट दीजिए। फिर डी को देखिए, डी ऐसी स्थिति है, डी सर्किल में नहीं आ रहा, सर्किल से बाहर है, तो ये भी काट दीजिए। ए भी सर्किल से बाहर है, काटिए। अब बचा सी और ई, सी और ई में देखेंगे तो ई की पोजिशन देखिए, ये छोटे से त्रिभुज के अंदर भी आ गया, इस वर्ग के भी अंदर आ गया, सर्किल यानी सारी अगर इसमें देखें आकृतियों में तो सिर्फ ई मुझको दिख रहा है। अगर सी को भी ले लेते हैं कि ई और सी दोनों आ रहे हैं तो सी ऑप्शन में है भी नहीं, तो सी आएगा भी नहीं, तो ऑप्शन ई वाला देखिए, ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर। क्लियर, बस सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब आ रहा है सिलोजिज्म पर। सिलोजिज्म में जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है उसी को हम कराएंगे। देखिए क्या कह रहा है, पहले कथन को पढ़ेंगे और डायग्राम बनाएंगे। कथन क्या कह रहा है कि कुछ तारे ग्रह हैं, कुछ कह रहा है तो कुछ इस तरीके से मिलाएंगे, तारे को त बनाएंगे, ग्रह को ग बनाएंगे। कह रहा है कुछ तारे ग्रह हैं तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। आगे कह रहा है कुछ ग्रह गैलेक्सी हैं, यहाँ पर कुछ ग्रह का हिस्सा गैलेक्सी में ले लेंगे, तो कह रहा है कुछ ग्रह गैलेक्सी हैं। आगे कह रहा है कुछ गैलेक्सी सूर्य हैं, तो इसी तरीके से कुछ गैलेक्सी का हिस्सा हम सूर्य में ले लेंगे, इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अब मुकम्मल हो गया है, फाइनल हो चुका है डायग्राम, अब कुछ नहीं करना, क्योंकि तीन आपके कथन थे, तीनों कथन के अनुसार हमारा डायग्राम कुछ कुछ कह रहा है, सब कह रहा है कुछ तारे ग्रह हैं तो कुछ हमने मिलाया, कुछ ग्रह गैलेक्सी हैं कुछ हमने मिलाया, कुछ गैलेक्सी सूर्य हैं तो कुछ हमने मिलाया। अब इसमें कन्फ्यूजन वाला क्या होता है, जिसे निष्कर्ष को पढ़ेंगे और डायग्राम से मिला करके देखेंगे कौन सा निष्कर्ष सही है। कन्फ्यूजन कहाँ होती है वो अभी समझ में आएगी। जैसे निष्कर्ष पहला कह रहा है कि सभी सूर्य के गैलेक्सी होने की संभावना है, ये कन्फ्यूजन है, संभावना संभावना। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं क्वेश्चन जो आपने डायग्राम बनाया कि कुछ ही गैलेक्सी सूर्य है, तो आप ये भी कह सकते हो कुछ सूर्य गैलेक्सी या कुछ गैलेक्सी सूर्य, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सभी सूर्य के गैलेक्सी होने की संभावना है, संभावना लगा रहा है, तो जब संभावना लगाएगा तो सही हो जाएगा। किस कंडीशन में संभावना गलत हो, अगर ऐसा रहता कि कोई भी गैलेक्सी सूर्य नहीं है, जैसे ऐसे दूर दूर डायग्राम रहता कोई भी गैलेक्सी सूर्य नहीं होता है, अगर तब कहता कि सभी सूर्य के गैलेक्सी होने की संभावना है तो इस कंडीशन में इसको हम गलत काट सकते थे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अंदर घुस गया, कह दिया कि थोड़ा सा भी इसमें घुसपैठ कर दिया, तो अब ये पूरा कब्जा कर लेगा। कोई भी देश जो ताकतवर होता है, आप ऐसे ही सोचिए, जैसे इसराइल ने घुसपैठ किया फिलिस्तीन पर, अब क्या कर रहा है कि पूरे पे कब्जा करना चाहता है, वही चीज़ यहाँ पे है। तो वही चीज़ यहाँ पे संभावना बना दिया, अब कह रहा है कि अब मैं पूरे पे कब्जा कर लूँगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर घुसपैठ, अगर दूर दूर है सरहद पे मजबूती है तो नहीं होगा, कोई भी संभावना नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ा सा भी अंदर घुसा तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा एक दूसरे पे कब्जा हो जाएगा। तो ये संभावना कब काम करती है, जब थोड़ा सा अंदर रहे तब काम करेगी, बाहर बाहर रहेगा तो नहीं काम करेगी। ठीक है, आगे कह रहा है कुछ गैलेक्सी तारे हैं। अब यहाँ पे डायग्राम में देखिए, गैलेक्सी यहाँ पर है, तारे यहाँ पर है, दोनों का मिलन कहीं से हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर तो इसको डायरेक्टली गलत काट देंगे। लेकिन एक सोच आपकी बनेगी कि ये सही भी हो सकता है, कैसे, अब आप सोच बनाएंगे ऐसे, कहेंगे कि ये जो तारे कुछ ग्रह हैं, हो सकता है कि ये जो कुछ ग्रह वाला हिस्सा तारे में आ रहा है वो हो सकता है वो वही हिस्सा ये भी हो, वही हिस्सा ये भी हो, ऐसी कंडीशन हो सकती है। लेकिन ये हो सकती है, संभावना तो लगा नहीं है, जब तक आपको 100% सही नहीं लगेगा आप उसको सही नहीं कर सकते, तो इसलिए हर कंडीशन में इसको हम गलत ही काटेंगे। तो कौन सा, यदि केवल इसका से एक अनुसरण करता, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्न अक्षर संख्या में श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर संख्या आएगी, यानी अक्षर संख्या यहाँ पे दोनों गायब है और यहाँ पे हमें निकाल लेना है, फटाफट कर लेते हैं, सेकेंडों का काम है। इसमें देखिए ऑप्शन में लास्ट में बी दिया हुआ है, लास्ट में बी सब में है, तो हमें लास्ट वाला यानी एफ ई डी सी वाला हमें ढूंढना ही नहीं है, उस पर मेहनत नहीं करनी, एग्जाम में कैसे टाइम बचानी है वो भी सीखते रहिए। अब पहला हम ढूंढेंगे क्यू से एस बना, एस से यू बना, यू से डब्लू, क्या बना है, क्यू एस यू डब्लू और मिसिंग अल्फाबेट। अब देखिए इसमें नंबरिंग कर दीजिए, ए टू जेड आपको याद होनी चाहिए, एक से लेकर 26 तक नंबरिंग। क्यू होता है आपका 17वें पे, एस होता है 19 पे, यू होता है 21 पे और डब्ल्यू होता है 23 पे। देखिए 17 से 19 प्लस 2, 19 से 21 प्लस 2, 21 से 23 प्लस 2, यानी नेक्स्ट में प्लस 2 होगा यानी 25 होगा। अब 25वें स्थान पर वाई होता है, यानी हमारा वाई निकल गया, बी निकल गया, अब बचा हुआ बीच का मैटर संख्या वाला 1 2 6 21, क्या है 1 2 6 21
और मिसिंग। अब यहाँ पर बहुत मैटर जो है दिक्कत करेगा, क्यों? क्योंकि ये सीरीज़ बहुत दूसरे टाइप की बन गई है। एक से दो यहाँ पर चलिए प्लस वन हुआ, दो से चार छः यहाँ पर प्लस चार हुआ, अब उसके बाद 21 हो रहा है। मैंने क्या क्या कहा, ये सीरीज़ थोड़ा कुछ हट के है, हट के सोचना पड़ेगा। जैसे एक है ना, एक में हम और क्या कर सकते हैं दो बनाने के लिए? आप कहेंगे एक का गुणा करके एक जोड़ देंगे दो बन जाएगा, बात सही है। एक गुणे एक प्लस वन दो। अब छः लाने के लिए क्या करेंगे, अगर दो में दो का गुणा करके अगर दो जोड़ दें तो दो दुना के चार दुना के छः हो जाएगा, दो दुना के चार प्लस दो छः हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें अगर इसी क्रम में चलें, एक का गुणा एक जोड़े, दो का गुणा दो जोड़े, अब तीन का गुणा करके तीन जोड़ें तो 36 18 3 21 काम करके ये ट्रिक। इसी तरीके से 21 में हम क्या करेंगे, चार का गुणा करके चार जोड़ेंगे तो 21 चौको 84, चार क्या हो जाएगा 88, यानी वाई 88 बी, ऑप्शन बी इज द राइट। अगला कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कह रहा है, एक निश्चित गुण भाषा में टॉर्च को, किसको टॉर्च को क्या लिखा जाता है, IDSNS लिखा जाता है, तथा पिस्ता को ब्यूचो, पिस्ता को क्या लिख रहा है, पिस्ता को क्या लिख रहा है, BUTHO लिखा जाता है। तो ब्लिंको को कह रहा है कि उसी कोड भाषा में, ब्लिंको को कह रहा है उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे टॉर्च से IDSNS बना कैसे। तो इसमें नंबरिंग का खेला कुछ है नहीं, जैसे T20 पे, O15 पे, R18 पे, C आपका 3 पे और H आपका 8 पे। उसकी जगह बन क्या रहा है, I आपका 9 पे, D आपका 4 पे, S आपका 19 पे, N आपका 14 पे, S आपका 19 पे, ठीक। अब देखिए अगर सीधे सीधे देखते हैं तो T की जगह I बना हुआ है, यानी कि 20 से 9 यानी कि -11 हुआ। वो 15 था, डी 4 हुआ, यहाँ पर भी -11 हो गया। आर 18 था, उसकी जगह पर +1 हो रहा है। फिर सी से आपका क्या हो रहा है, 14 बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है +11 हो रहा है। और आठ से 19 बन रहा है, यहाँ पर भी +11, यानी हो क्या रहा है -11 -11 +1 +11 +11, ये काम नहीं करेगी लॉजिक ये काम नहीं करेगी। नीचे भी चेक कीजिए फटाफट, आप लोग भी चेक करते रहिएगा, ये काम नहीं करेगी। तो हम कहते हैं सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लो, यानी कि चलिए उल्टे क्रम में देखते हैं। यहाँ पर देखिए टी 20 था, एस 19 हो गया यानी -1 हुआ, ओ 15 था, एन 14 हो गया -1 हुआ, आर 18 एस 19 यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर सी 3 और डी 4 +1 हुआ है, यहाँ पर एच 8 और आई 9 +1 हुआ, यानी कि दो में -1 हुआ है और एक में तीन में +1। चलिए यहाँ पर भी देख लेते हैं, जैसे पी 16 आई है, आई का मतलब 9, एस 19, टी 20, ए 1, बी 2, यू 21, टी 20, एच 8, ओ 15। अब देखिए पी की जगह ओ बन रहा है -1, आई 9, एच 8 -1, एस 19, टी 20 +1, यहाँ पर देखिए टी 20, यू 21 +1, ए 1, बी 2 +1। सेम काम यहाँ पर करना है, जैसे बी होता है दूसरे स्थान पर, एक घटाएंगे 1 हो जाएगा, 1 पे होता है ए, एल होता है ब्रह्मी स्थान पर, पहले क्या करेंगे घटाने वाला, दो में घटाने वाला काम करेंगे, एल होता है ब्रह्म पे, एक घटाएंगे 11 ग्यारहवें स्थान पर के, अब जोड़ने वाला आई 9वें पे और एक जोड़ेंगे 10 10वें स्थान पर जे, एन होता है 14 पे, एक जोड़ेंगे हो जाएगा 15 ओ, के होता है 11 पे, एक जोड़ेंगे 12 बार हमें पे एल, एल ओ जे के ए, ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। देखिए जब तक हमें इस सीरीज के पैटर्न नहीं बता रहेंगे किस क्रम में ये बढ़ रहा घट रहा है, तब तक हमें पता ही नहीं चल पाएंगे कि कौन सी संख्या या कौन सा पद गलत है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए 3 से 128 बन रहा, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा, बहुत ज़्यादा, उसके बाद घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। जब ऐसी सीरीज रहे तो एक छोड़ एक करके यानी दो सीरीज बना लीजिए। पहली सीरीज में क्या करेंगे, 3 से 6 6 से 9 9 से 12 12 से 15 पे जाएंगे एक छोड़ एक, फिर दूसरी सीरीज 128 से 64 64 से 36 36 से 16 16 से 8 पे आएंगे। फटाफट देखिए, इतना एंड मैंने दे दिया, बताइए कौन सा पद इसमें गलत है। अगर पहली सीरीज में देखते हैं 3 से 6 बना हुआ है यानी 3 गुणे 2 3 दुना के 6, फिर 9 बना हुआ है, अगर 6 का 2 में करते हैं तो 6 डेढ़ वाला हो रहा है, ऐसे करते हैं 3 का 2 में गुणा किए 6, या फिर 3 का क्या करते हैं 3 से गुणा कर देते हैं 9 हो जाएगा, ऐसे लेते हैं पहले वाले का ही सबसे ले लेते हैं। 3 चौको 12 यानी 4 का गुणा, अब यहाँ पर 15 पे जाएंगे तो 3 गुणे 5 5 का गुणा, सब सही है। इसमें कुछ गलत मिला, जैसे 3 का गुणा 2 से किया 6 आया, 3 का 3 से 9 आया, 3 का 12 से, 3 का 4 से 12 आया, 3 का 5 से 15 है, इसमें कोई मुझको गलत नहीं दिख रहा है। दूसरी सीरीज में देखते हो सकता है इसमें गलत, 128 से 64 बन रहा है, यानी कि इसमें भाग दो कर दिया गया क्योंकि आधा हो गया है, 64 का आधा करेंगे तो 32 आएगा, 9 की 36 आएगा, मुझको तो यही गलत लग रहा है। आगे भी चेक कर लेते हैं, अगर 36 का आधा करते तो यहाँ पे 18 आना चाहिए, लेकिन 32 का आधा करेंगे तो 16 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर 16 का आधा करेंगे तो 8 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, यानी कि आपका 36 ही गलत है, वहाँ पे 32 आना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है गौन को ये लिखा जाता है तो कम को क्या लिखा जाएगा, गौन
चलिए गौन को लिखते हैं, उसके बाद हम कम को चेक कर लेते हैं फटाफट, टाइम नहीं लगेगी। गौन की जगह लिखा गया 4922519625, इतना लंबा, इतना लंबा। हालांकि नंबरिंग अगर करते हैं तो जी 7वें पे, ओ 15 पे, एन आपका 14 पे, ई 5 पे, और यहाँ पर देखिए इतनी लंबी संख्या। समझ में आ रहा है? समझ में कब आएगा? जब आपको 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद रहेगा तो ही समझ में आएगा। क्योंकि आप अगर देखें तो एक नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर आपको दिखेगा 49, 4 को मत देखिए, 49 को देखिए, और होता है 7 का स्क्वायर। जी 7वीं पोजीशन पर होता है, उसी का स्क्वायर कर दिया गया, 49 आ गया। अब यहाँ पर 15 है तो हमें 225 को देखना है, क्योंकि 15 का स्क्वायर होता है। अब ये उसके आगे एन 14 है, 14 का स्क्वायर होता है 196, उसको देखना है। ई होता है 5वें स्थान पर, इसका स्क्वायर 25 होता है, उसको देखना है। बस काम बन गया, यानी सी 3 पे, ओ 15 पे, एम 13 पे और ई 5 पे। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। ये आपका हो गया जी आंसर, 9 225, 169, 225, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बहुत आसान था, कुछ था नहीं। कुछ चीज़ें अगर मालूम नहीं रहेगी आप लोगों को डीपली, तो दोस्तों क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाने में आपको दिक्कत हो जाएगी और टाइम भी लग जाएगी सोचने में। तो बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज भी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये आप लोगों के लिए करा, उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति को पूरा करे, यानी यहाँ पर मिसिंग दिया हुआ है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क, वहाँ पे कौन सी इस चारों में से आकृति को रखें कि सेम इस लेफ्ट साइड वाली जैसी आकृति बन जाए, यानी इस आकृति को मुकम्मल कर दे, पूरा कर दे। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे शानदार धमाके, ठीक है सर, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।